नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका। आपके अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी पर मैं सुनाती हूं किस्से, कहानियां और भी बहुत कुछ। जाने भी दो यारो, इस क्लासिक फिल्म के बिना हमारी फिल्म इंडस्ट्री अधूरी है। ये ना सिर्फ एक बेहतरीन फिल्म है बल्कि मजाकिया अंदाज में सामाजिक मुश्किलों को बयां भी करती है। इस फिल्म के हर एक किरदार ने कमाल की एक्टिंग की है, पर एक किरदार ऐसा है उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। बाकी भ्रष्ट किरदारों की तरह शोभा सेन का किरदार भी भ्रष्ट है, ये देखकर मन बेचैन हो गया। जिसे सच्चाई का पुतला समझा जा रहा था वो असलियत में भ्रष्ट औरत है, ये देखकर विनोद को बहुत बुरा महसूस होता है। और इस फिल्म की ये भी खास बात है कि सीरियस मुद्दे को भी उन्होंने कॉमेडी से रंगा था। वाह, ये कमाल सिर्फ कुंदन शाह जैसे डायरेक्टर ही कर सकते हैं। खैर, अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। इस फिल्म के कारण नसीरुद्दीन शाह की खूब तारीफ हुई, पर कहीं ना कहीं भक्ति बर्वे को अपने हिस्से की तारीफ नहीं मिली, बजाय इसके कि उनका किरदार बेहतरीन था। आपको बता दूं कि उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ दो फिल्मों में काम किया था, जाने भी दो यारो 1983 और 1084 की माँ 1998। पर ये सुनकर ऐसा मत सोचो कि उन्होंने फिल्मों में कुछ योगदान नहीं दिया। आपको बता दूं कि वो दूरदर्शन की सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थी। दूरदर्शन के अलावा ऑल इंडिया रेडियो में भी उन्होंने अपनी आवाज़ दी थी। 80 के दौर में ऐसा कोई इंसान मिलेगा नहीं जो भक्ति बर्वे को नहीं जानता हो। वो कहते हैं ना, कुछ लोग अभिनय में माहिर होते हैं पर उनका अभिनय फिल्मों के लिए नहीं होता। भक्ति बर्वे ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने मराठी रंगमंच को नया आयाम दिया। भक्ति बर्वे का जन्म 10 सितंबर 1948 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। बाकी मराठी कलाकारों की तरह उन्होंने भी छोटी उम्र में रंगमंच में अभिनय करना शुरू किया था। मराठी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री सुधा कर्माकर के स्टेज ग्रुप की वो हिस्सा थी। कम उम्र में उन्होंने अभिनय करना शुरू किया, इसीलिए आगे चलकर दूरदर्शन में उन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। 80 के दौर में बहिणाबाई चौधरी के किरदार के कारण उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली। उसके बाद उन्होंने दूरदर्शन के लिए उद्घोषिता का काम भी किया। दूरदर्शन के अलावा उन्होंने लगातार हिट नाटक भी दिए, जिसके चलते उन्हें महाराष्ट्र में खूब प्रसिद्धि मिली। कुंदन लाल शाह ने NFDC के साथ मिलकर जाने भी दो यारो फिल्म बनाई, तब गर्व के साथ भक्ति बर्वे को बड़ा किरदार दे दिया। इस फिल्म के कारण भक्ति बर्वे को लोग पसंद करने लगे, पर फिर भी उन्होंने रंगमंच को छोड़ा नहीं। उनका पूरा जीवन थिएटर और दूरदर्शन में बीता, इसलिए समय समय पर भारत सरकार ने उन्हें संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, अभिनय पुरस्कार जैसे उच्च श्रेणी के अवार्ड्स देकर गौरव भी किया। रजनीश जोशी नामक लेखक ने उनकी बायोग्राफी भक्ति बर्वे एक होती फुल रानी लिखी। हालांकि उस मराठी किताब का हिंदी में अनुवाद मिलेगा नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके पति भी महान कलाकार थे। जी हाँ, शफी इनामदार से उन्होंने शादी की थी, जिनसे उन्हें कोई संतान तो हुई नहीं, पर वे दोनों अपने जीवन काल में बेहद खुश थे। 1996 में शफी इनामदार की अचानक मृत्यु हुई, तब भक्ति बर्वे ने अकेले रहकर आखिरी दिन गुजारे। अपना पूरा जीवन थिएटर को देने वाली भक्ति बर्वे का अंत दुखद रहा। एक स्टेज शो करने के बाद वे अपने घर लौट रही थी, तब मुंबई पुणे हाईवे पर उनका एक्सीडेंट हो गया और 12 फरवरी 2001 के दिन उनका निधन हो गया। तब वे मात्र 52 साल की थी। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।